और ये है हमारा Realme X7 Max का रिटेल यूनिट। सबसे पहले डिवाइस के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 8GB 128GB वाला वेरिएंट जो है हमारा वो आपको 27,000 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। अब इस डिवाइस की अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो इसके कंपटीशन में आते हैं हमारे पास काफी सारे बड़े बड़े डिवाइसेस। सबसे पहले आता है हमारे पास Xiaomi की तरफ से Mi 11X, उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट iQOO की तरफ से आ जाता है iQOO 7, उसके साथ हमारे पास आ जाता है Realme की तरफ से Realme X50 Pro, और उसके साथ हमारे पास Realme का ही एक और डिवाइस आता है Realme X7 Pro। तो इन सारे डिवाइसेस के कंपैरिजन में ये डिवाइस हमारा कैसा है, इसी बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जैसे कि हमारा 27,000 रुपए का डिवाइस है, मुझे इस डिवाइस की इन हैंड फील बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब हमें डिवाइस के अंदर यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी मिलती है प्लास्टिक फ्रेमिंग के साथ, जिसके अंदर डिवाइस के अंदर आपको इन हैंड फील बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मतलब डिवाइस आपको ना ही सॉलिड लगेगा ऐसे बिल्ट वाइज, ना ही आपको बढ़िया लगेगा हाथ में होल्ड करने में। और एक्चुअल में एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी डिवाइस की वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास सैंड पेपर जैसा इफेक्ट आपको बैक साइड में देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसे कई लोगों को बहुत ही बुरी सी क्रीपी सी फीलिंग देता है, वो लोग तो इस डिवाइस को होल्ड ही नहीं कर सकते। और आपको इस डिवाइस को एक्चुअल में काफी ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये हमारा हार्ड प्लास्टिक है बैक में, तो इसके ऊपर आपके स्क्रैचेस अगर आएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा उभर के नजर आएंगे इसके इस कलर होने की वजह से। तो मतलब बचा के रखना पड़ेगा डिवाइस को, और क्वालिटी वाइज इन हैंड फील में तो आपको डिवाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज क्या करी है रियलमी ने, एक्चुअल में तो डाउनग्रेड कर दिया है क्वालिटी काफी ज्यादा। रियलमी का अगर आप लोगों को याद हो रियलमी का 6 Pro आता था हमारा जो डिवाइस, जिसके अंदर आपको प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती थी और ये जो बोल्ट लाइटिंग इफेक्ट मिलता था इसमें बहुत ही बढ़िया लगता था डिवाइस। मतलब इसकी इन हैंड फील बहुत ही कमाल की थी इसके कंपैरिजन में, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और इसका बजट हमारा काफी ज्यादा है, 27,000 रुपए, मतलब 30,000 रुपए के बजट में ये डिवाइस आ रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा डिवाइस बिल्ट वाइज लुक वाइज। और वैसे तो ज्यादा दूर की क्या बात है, अभी हमारा Realme का X50 Pro भी आता है 25,000 रुपए के बजट में, वो भी इन हैंड फील में बहुत ही प्रीमियम और क्लासी लग रहा है इसके कंपेरिजन में। वैसे ये जो हमारा डिवाइस है X7 Max, ये लाइट वेट लगेगा आपको, 177 ग्राम्स का है हमारा डिवाइस और 8.4 mm की इसकी हमारी थिकनेस है। तो आप इसको एक हाथ से होल्ड करके ज्यादा देर भी यूज कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे 3.5 हेडफोन जैक मिल जाता है, नीचे टाइप सी पोर्ट है, और उसके साथ आप यहाँ पे अपनी 2 SIM कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड डालने की ऑप्शन नहीं मिलती है, तो 2 वेरियंट जो आपको मिल जाते हैं 8GB 128GB और 12GB 256GB, आपको इतनी ही मेमोरी यहाँ पे मिलती है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपको इस डिवाइस के अंदर डुअल 5G सपोर्ट मिल जाता है, वो भी मल्टीपल बैंड्स के साथ, तो मतलब फ्यूचर प्रूफ तो डिवाइस आपका ये बढ़िया वाला हो गया। इसके साथ डिवाइस की अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो वो भी हमारी काफी बढ़िया है। आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमारा 6nm बेस प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर पहली बार किसी भी डिवाइस के अंदर दिया गया है जो कि काफी पावरफुल है। मतलब एंटूटू स्कोर मैंने यहाँ पे डिवाइस का निकाला जो कि 7,04,000 आया। तो मतलब कि ये डिवाइस देखा जाए तो हमारा जो स्नैपड्रैगन 870 वाले डिवाइसेस हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे लाया गया है। और मैं आपको पूरी तरह डिटेल में इनके कंपैरिजन करके, इनकी टेस्टिंग करके ही बताऊंगी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी किसकी बेटर है और ये कैसा है। इसके अलावा वैसे डिवाइस के अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X की रैम मिलती है, और जो मैंने इसका स्टोरेज टेस्ट किया था उसमें 1770 Mbps की इसकी हमारी रीड स्पीड है, और इसकी हमारी 1030 प्लस की आती है राइट स्पीड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिलती है, जिससे कि आपको हीटिंग इश्यू डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी देर ही गेमिंग करी है, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे काफी ठीक लगी डिवाइस की परफॉर्मेंस, लेकिन गेमिंग टेस्ट करके ही मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है और हीटिंग इश्यू है या नहीं है। और वैसे आपको गेमिंग को अच्छे से एंजॉय करने के लिए डिवाइस के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और उसके साथ 360Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस डिवाइस में काफी बढ़िया वाली यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है वो भी हमारा बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको यहाँ पे
6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ, जो कि हमारा काफी ब्राइट और कलरफुल है। मतलब आप व्यूइंग एंगल्स देखें डिवाइस के, आप इसके अंदर मूवीज लगा के देखेंगे उसके अंदर कलर्स हमारे एकदम बढ़िया पंची आ रहे हैं, ब्राइटनेस काफी कमाल की आ रही है। और मैंने सनलाइट में भी डिवाइस को यूज किया तो वहां पे भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, बढ़िया तरीके से मैं डिवाइस को यूज कर पा रही थी। तो डिस्प्ले वाइज भी डिवाइस हमारा ये काफी बढ़िया है। इसके साथ वैसे हमारा जो यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है वो भी हमारा काफी फास्टली डिवाइस को अनलॉक कर रहा है। और इसके अलावा डिवाइस के अंदर हमारे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसके साथ जो हमारे एज लाइटिंग इफेक्ट है, साथ ही आपको जो फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है उसके अंदर आपको कई सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिससे कि डिवाइस को आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे Realme UI आता है, उसके साथ आपको Android 11 मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। साथ ही अगर मैं बात करूँ डिवाइस के ऑडियो आउटपुट के बारे में तो यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं और यहाँ पे आप सुन सकते हैं एक एग्जांपल। डिवाइस के अंदर आपको आवाज जो है वो नीचे के स्पीकर के तो हमारी बढ़िया आ रही है, लेकिन ऊपर का जो हमारा स्पीकर है उसकी इतनी लाउड देखने को नहीं मिल रही है। वैसे मैं इसकी टेस्टिंग करके रिव्यू में आपको अच्छे से बताऊंगी कि एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस ऑडियो आउटपुट हमारा कैसा निकल के आता है। इसके साथ अगर आगे मैं बात करूँ डिवाइस के कैमरास के बारे में तो कैमरास मुझे यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग लगे। हमें पहले मैं आपको सेटअप बताती हूँ, हमें मिल जाता है जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर आपको IMX682 का सेंसर मिलता है। उसके साथ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का हमारा मैक्रो शॉट। सबसे पहले सेटअप के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे डेप्थ सेंसर नहीं है और उसके साथ टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलता आपको। तो जो लोगों को वो DSLR इफेक्ट वाली पिक्स लेना अच्छा लगता है उनको तो मजा नहीं आएगा पिक्स लेने में। इसके अलावा जो हमारा मेन 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसके अंदर आपको IMX682 सेंसर मिलता है, और ये सेंसर एक्चुअल में Realme के Realme 7 में हमें मिलता है। मतलब जो चीज 13-14 हजार रुपए के डिवाइस पे Realme हमें दे रहा है वो चीज 27 हजार रुपए के डिवाइस में हमें कैसे दे सकता है Realme? मतलब खुद ही आप ही दे रहे हो और अब आप हमें इतने बढ़िया इतने बड़े बजट में भी ऐसी क्वालिटी दे रहे हो। मैं आपको दिखाती हूँ सैंपल। सबसे पहले 64 मेगापिक्सल का जो हमारा कैमरा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जो डिटेलिंग है वो इतनी बढ़िया देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। कलर्स हमारे एक्यूरेट आ रहे हैं लेकिन पिक्स के अंदर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है। मतलब जो फ्लैगशिप लेवल की क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, जो हमें एक्चुअल में Realme के 8 Pro में मिल जाती है, वो भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो Realme 8 Pro में आपको ज्यादा बेटर कैमरा पिक्स मिलेंगी X7 Max कंपैरिजन में। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइड एंगल पिक्स जो आई है हमारी उसके अंदर हमारे कलर्स एक्यूरेट आ रहे हैं और उसके साथ आपको डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी मिल जाती है। लेकिन आपको जो टेलीफोटो में आप पिक्स ले सकते हैं इसके अंदर वो डिजिटल वाला है, जिसकी वजह से उसके अंदर आपको डिटेलिंग अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। इवन 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो सेंसर है हमारा उसके अंदर भी पिक्स आपकी अच्छी नहीं आएंगी, बिल्कुल भी यूजेबल आपको नहीं लगेंगी। साथ ही अगर मैं बात करूं हमारे पोर्ट्रेट इफेक्ट की पिक्स के बारे में तो यहाँ पे आपको एज डिटेक्शन काफी ओके मिल जाता है, लेकिन पिक्स के अंदर आपको आर्टिफिशियल लुक देखने को मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आर्म की साइड पे जो लुक आ रही है, जो एज डिटेक्शन आ रहा है वो हमारा आर्टिफिशियल सी लुक दे रहा है, तो ये चीज भी देखी जाए तो अच्छी नहीं लग रही। कैमरा एक्चुअल में डिवाइस का मुझे बैक वाला तो इतना अच्छा नहीं लगा। जो सेल्फी कैमरा है वो हमारा टिपिकल जो Realme देता आ रहा है 12,000 रुपए के बजट से सब में 16 मेगापिक्सल का वही आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ओके की डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है डिवाइस के अंदर। लेकिन अगर आप सनलाइट में पिक्स लेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे वॉश आउट कर देगा बैकग्राउंड को, तो पिक्स में यहाँ पे सनलाइट में या पीछे आपकी तेज लाइट हो, चाहे आप इंडोर में ले रहे हो, तो आप पिक्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वैसे सेल्फी कैमरा में जो हमारे बुके मोड है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारा एज डिटेक्शन और बैकग्राउंड डिटेलिंग हमारी ठीक आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वीडियोग्राफी के बारे में तो सबसे पहले आप बैक कैमरा का यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो सैंपल, जिसके अंदर आपको स्टेबिलाइजेशन काफी ठीक मिल जाता है, लेकिन वीडियो के अंदर आपका कंट्रास्ट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से एकदम डार्क सा वीडियो आ रहा है और कलर्स भी हमारे एकदम डल आ रहे हैं, तो वीडियो क्वालिटी ओवरऑल वैसे अच्छी नहीं लग रही। इसके अलावा वैसे फोकसिंग भी हमारे कैमरा की थोड़ी स्लो है। साथ ही अगर मैं सेल्फी कैमरा की वीडियोग्राफी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन कर रहा है कैमरा, उसके साथ आपके बैकग्राउंड डिटेलिंग को भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है और स्टेबिलाइजेशन भी हमें काफी ओके मिल जाता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं डिवाइस की बैटरी के बारे में तो हमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और यहाँ पे तो टेस्टिंग करके ही मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में बैटरी बैकअप हमारा कैसा निकल के आता है। साथ में आपको वैसे मिल जाती है 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग।
मतलब बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन चार्जिंग सपोर्ट आपको सिर्फ 50 वॉट का ही मिलता है। मतलब मुझे लगता है हो सकता है रियल मी की ये 65 वॉट की चार्जिंग में कोई इशू आ रहा होगा, इसीलिए इन्होंने सॉफ्टवेयरली इसको चेंज कर दिया। मतलब चार्जर तो आपको 65 वाला ही दे रहे हैं, लेकिन चार्जिंग सपोर्ट सिर्फ 50 वॉट का ही है। हालांकि वो भी फास्ट है, मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम लगता है, हीटिंग आती है या नहीं आती है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है टाइप सी केबल, और उसके साथ है हमारे पास इजेक्शन टूल, और उसके साथ आ जाते हैं हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट, साथ ही हमारा बैक केस। अब बैक केस जो है वो हमारा थोड़ा सा डार्क टिंट में है, जिसकी वजह से आपकी जो लुक है डिवाइस की वो भी छुप जाएगी। लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है, आपने 27,000 का डिवाइस खरीदा है, आपको कवर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स, जो इतनी सी जगह इस पर फिंगरप्रिंट्स इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं, जैसे कि लुक गंदी लग रही है। वैसे भी देखने में सैंडपेपर वाली लुक अच्छी नहीं लग रही है, और इन हैंड फील भी अच्छी नहीं है। कवर लगा के रखेंगे तो डिवाइस बच जाएगा, आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा, स्क्रैचेस भी जल्दी नहीं पड़ेंगे आपके इतने कॉस्टली डिवाइस पे। सो गाइस, ये था हमारा डिवाइस, हमारा रियलमी X7 Max, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो वैसे तो फ्यूचर प्रूफ डिवाइस है ये हमारा, जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिल जाती है, आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन डिवाइस की इन हैंड फील बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको हाथ में होल्ड करने में डिवाइस अच्छा नहीं लगेगा, कैमराज हमारे अच्छे नहीं हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिवाइस मुझे यहाँ पे इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं लगी। मतलब मैं आपको 27,000 रुपये की प्राइस में ये डिवाइस कैसे रिकमेंड कर दूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, जब Realme खुद 25,000 रुपए के बजट में आपको X50 Pro दे रहा है, जो कि इससे बहुत बेटर है, कई मामलों में बेटर है। और जो मेन उसमें दो दिक्कतें हैं बिल्ट की, वो इसके अंदर आपको प्रीमियम ग्लास बिल्ट मिल रही है, अच्छी लगेगा डिवाइस हाथ में होल्ड करने में, खुद को अच्छा लगेगा, और उसके साथ कैमराज भी इसके हमारे ज्यादा बेटर है। तो फिर एक्चुअल में मुझे Realme से ही क्वेश्चन है ये मेरा कि आपका कोई ये डिवाइस 27,000 में क्यों लेगा, जब 25 में आप खुद ये Realme X50 Pro दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आप कहेंगे तो जल्द मैं आपके लिए डिटेल कंपैरिजन ले आऊंगी इन दोनों डिवाइसेस का, या फिर इस बजट की जो मैंने आपको बाकी डिवाइसेस बताए उनके साथ भी आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। आप मुझे फटाफट से करें कमेंट, और जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसका वीडियो मैं लाऊंगी जल्दी से। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को करें जरूर सब्सक्राइब।